बीएल हिट हाई ऑफ 260680, 200 ढाई रुपए में दिया था, 8-9 का टारगेट था। आई स्टिल थिंक अगर आपने नहीं प्रॉफिट बुक किया तो वेट कीजिए, जरूर मौका आएगा। आईओसी ऑन दी अदर हैंड दीपांशु, जो आपको 26.5-26.27 में कहा था, वो 30.60 रुपए बिक गया, जो मेरा 32 का टारगेट था। और मुझे लगता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर इन वेरी गुड शेप, तो अब मेरे पे 2 बाय 2 सेल हैं, आप कहें तो, बिकॉज द मार्केट इज वॉलेटाइल और आपको हेज करके चलना चाहिए। बिल्कुल, तो दोनों तरफ के मौके हैं इस समय बाजार में, बताएं सर आपकी कॉल्स। तो देखिए, पहले बाय दे देता हूँ। सबसे पहले तो अनक्वेश्चनेबली जो नंबर इन द ओएमसी इज द बेस्ट वॉज एचपीसीएल, 313.14 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 307, दिस इज हेडेड टू 325, सो एचपीसीएल इज माई टॉप पिक ओवर देयर। The other buy is again, देखिए फार्मा इज आउट ऑफ कलर बिकॉज ऑफ यू नो लेस कोविड एंड सो ऑन, बट कैडिला के नंबर बहुत अच्छे थे, 675 से 467 आ गया, 75-80 आ गया है। मुझे कैडिला इस भाव पे बहुत पसंद है, 488-489 में लीजिए, स्टॉप लॉस इज जस्ट वेरी क्लोज 480, बट दिस इज हेडेड टू 515-520, कैडिला कुड बी एन आउट परफॉर्मर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। सेल में दोनों स्पेशलिटी केमिकल है, पीआई इंडस्ट्री बेची है 2735 पे, स्टॉप लॉस ऑफ 2775, टारगेट ऑफ 2650, और आरती इंडस्ट्री बेची है 955 पे, 975 का स्टॉप लॉस है, 880 का टारगेट, दीज बोथ आर वेरी वेरी वीक। बिल्कुल, तो दो बाय कॉल्स हैं, एक तो HPCL को खरीदना है 325 के टारगेट के लिए, दूसरा कैडिला को खरीदे 515-520 के टारगेट्स के लिए, उसके सामने PI इंडस्ट्रीज और आरती इंडस्ट्रीज दोनों पर करनी है बिकवाली। दोनों हैं आपके लिए केमिकल स्टॉक्स जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे, कमजोर दिख रहे हैं। PI इंडस्ट्रीज को बेचिए 2650 के टारगेट्स के लिए, 880 के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है आरती इंडस्ट्रीज पर। शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, पहले तो एक चीज कहूंगा, सिमी जी ने कहा सारे नवंबर बॉन्ड ही बहुत वो होते हैं भाग्यशाली, तो मैं ये कहूंगा मैं भी स्कॉर्पियो हूँ, 25 अक्टूबर है और 25 अक्टूबर भी ज्यादा दूर नहीं है, और हम भी कई कम महारथी नहीं है। सिमी जी को कहना कि हमारा जन्मदिन अभी एक हफ्ता ही हुआ है और हमने बाजार का रंग जो है वो आपको दिख रहा है, वो 18,000 के पास हो गया है। अरे तो इसमें जरा सर, नजर सर, आप जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, सर आपको भी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और वैसे तो है ना, नवंबर वाले कितने दमदार होते हैं मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, बताओ पूछू क्यों, बताओ सर। मेरी बेटर हाफ 1 नवंबर है तो मुझे पता है उनमें कितना दम है, तो मैं भाई नवंबर वालों को बहुत बहुत सैल्यूट है, सलाम है भाई, आपसे तो डरना ही चाहिए सब लोगों से। तो स्कॉर्पियो सारे के सारे जबरदस्त मजबूत है, बताएं सर आपका अपडेट। थैंक यू सर। तो अपडेट ये अनिल जी, कल आपको 3 बाय दिए थे, गेल एनटीपीसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक। गेल अपना 54.85 बिक गया, जो 50-50.5 में दिया था आपको, 57-58 का टारगेट है। एनटीपीसी 39.20 रुपए बिक गया, जिसका 41 का टारगेट है, और हैल अभी चला नहीं लेकिन ये 1365 का टारगेट पक्का है इसमें। उसके सामने शॉर्ट जो दिए थे, देखिए वो दोनों ही लड़कर आ रहे हैं, ना हिंडालको चल रहा है ना टाटा स्टील, तो अगर आपने पैर किया है, इनफैक्ट दे आर लोअर फ्रॉम द लेवल्स वी हैड गिवन। टाटा स्टील 1335 वाला 1315 हो गया, और हिंडालको 480 वाला 474 है, तो आपने अगर पैर रखा है दोनों में कमाया है। अब आपके लिए मैं फिर रीट्रेड करता हूँ, मेरे दो लॉन्ग टर्म लार्ज कैप पिक्स कंटिन्यू टू बी TCS एंड आइशर मोटर, और दो बाइज हैं अभी के लिए जो आप कहें तो मैं शुरू करूँ। बिल्कुल सर, बताएं आज की फ्रेश पिक्स। तो देखिए डिफेंस में बहुत रंगत है, मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक का है, उसका भाव 1365 तो शॉर्ट टर्म है, 1440 तक जाएगा। BEL लीजिए 3.5, 199.50 का स्टॉप लॉस, 209 का टारगेट, और मुझे जो रिजल्ट्स बेस्ट लगे वो IOC के सबसे अच्छे रिजल्ट थे, इसमें 4 रुपए डिविडेंड है, 28.5-28 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 123.40, दिस इज हेडेड टू 133-133.50। ओके, तो इन दोनों में खरीदारी करने की राय, दो सरकारी कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी करनी है, भसीन साहब को पसंद है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 203-203.50 के आसपास खरीदिए, 196 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 209 का रखिएगा टारगेट। IOC यहां पर 123.40 रुपए पर रखिएगा स्टॉप लॉस, 133 और 133.50 के आसपास आपको करनी है, टारगेट रखिए खरीदारी करने के लिहाज से। ये दो स्टॉक है जो भसीन साहब को पसंद है, सरकारी कंपनियों पर पूरा फोकस है भसीन साहब का, लगातार हर रोज सरकारी कंपनियां आ रही। देखिए कल NTPC, गेल, HAL आया, आज BEL, IOC, परसों क्लोजिंग शो में REC दिया था, तो सरकारी कंपनियां दमदार।
आज हाँ सभी बहुत चिंता में थे और आपको चिंता को तो मैं चिंता की समान समझता हूँ, इसलिए उसमें तो काफी रिलीफ आ गया अनिल जी। एब्सोल्युटली बिल्कुल। और अब मैं कहता हूँ दिवाली बहुत बढ़िया मनाएंगे तो 18200 का कायम है मेरा निफ्टी का टारगेट, लेकिन उससे ज्यादा अभी अच्छा है स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। और स्टॉक्स में आपको क्या बोला था कि TCS और आइशर मोटर यहाँ से भागेंगे। आइशर मोटर की सेल्स देखिए अनिल जी, वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल हैज गिवन अ स्टार्टलिंग नंबर, जो इनकी मल्टीपर्पज बस है, और मुझे कोई दो राय नहीं का आइशर इज हेडेड टू 3250 to 3400 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इसलिए आइशर मेरा टॉप पिक है। और साथ में मैंने आपको TCS कहा था, इस दिवाली पे 3700 का भाव दिख जाएगा TCS पे। ये तो मेरी सुबह की कॉल थी सर, आपको IDFC फर्स्ट दिलाया था 49.5 में, उसका भाव देखिए 51 रुपए 15 पैसे बिक गया, प्रॉफिट बुक कीजिए। TCS दिलाया था उसमें प्रॉफिट आप करना चाहे लेकिन रखिए, मैं अभी भी बोलता हूँ 200 रुपए और इसमें अभी आराम से आएंगे। मैंने आपको डॉक्टर रेड्डी कहा था, अशोक लीलैंड DLF भी देखिए 417 हो गया, और ACC अंबुजा भी दोनों चल चुके हैं। अब आप कहें तो दो पिक्स हैं अभी के लिए सर, बताएं दोनों पिक्स, दोनों आई एम श्योर खरीदारी की होंगी। बिल्कुल, तो पहला होएगा आपका देखिए PFC के नंबर, REC के नंबर बहुत बढ़िया थे, 2.5 रुपए डिविडेंड है और उसकी जो एसेट क्वालिटी है इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट डिविडेंड, मैंने फ्यूचर में डिविडेंड के आप 2.5 रुपए लगा के चलिए तो 47 रुपए में मिल रहा है, उसमें 45.5 का स्टॉप लॉस रखिए 50 to 52। और दूसरा होएगा जो आप आज आप जानते हैं IPL की बोली लग रही है, तो GMR इज वन ऑफ द को होल्डर्स इन कैपिटल एंड एरो सिटी इज बीइंग एक्सट्रीमली वेल, 45.5-45 में लीजिए, 40-75 का स्टॉप लॉस, 43.50 का टारगेट। एक बार भसी साहब जरा REC के मुझे लेवल्स वापस से बताएं प्लीज। REC अनिल जी मैं फ्यूचर में डिस्काउंट पे है, 47 में लीजिए, ओके 44.50 में स्टॉप लॉस है, 52 to 50 का टारगेट, 152 हाफ का टारगेट, वही आई थिंक वही कैश और फ्यूचर्स में काफी फर्क है। फ्यूचर्स दिखाइए जो सर बता रहे हैं वो लेवल्स फ्यूचर्स के हैं, 145.50 का आप स्टॉप लॉस लगाएं 152.50 के टारगेट के लिए, और GMR में भी करें खरीदारी 40.75 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। फ्यूचर्स के लेवल्स जरा लाइए REC में, ये आपके लिए ठीक होगा। हाँ 147.50 के आसपास के टारगेट अब ठीक है, और GMR भी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। बिल्कुल, तो GMR REC दो कॉल्स भसीन सर की तरफ से, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन कॉल्स शेयर करें। हफ्ते की भी शुरुआत है, नए महीने की भी शुरुआत है, एक बार पहले बात। क्या आप चाहते हैं संजीव भसन मार्केट खुलने से पहले सारे प्रीमियम कॉल